आतंक का सबसे खूंखार चेहरा आईएसआईएस का स्वयंभू खलीफा अबू बकर अल बगदादी मारा गया। आईएस से जुड़ी एक न्यूज एजेंसी ने इस खबर को प्रकाशित किया है, लेकिन अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए एक रिपोर्ट। दुनिया का सबसे खौफनाक आतंकवादी, हजारों बेगुनाहों का कातिल, इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन और 6.5 करोड़ का इनामी दहशतगर्द। दुनिया में दहशत मचा चुके सबसे खूंखार आतंकी संगठन का चीफ और कथित खलीफा अबू बकर अल बगदादी आखिरकार मारा गया। और ऐसा मुमकिन हुआ है अमेरिका की अगुवाई में जारी कोलिशन आर्मी के हवाई हमलों से। रमजान में यूएस कोलिशन सेना ने सीरिया के शहर रक्का में 2 दिनों तक खूब बमबारी की और इन्हीं हवाई हमलों में मौत का तांडव मचाने वाला आईएस का सरगना बगदादी मारा गया। आईएसआईएस से जुड़ी अरबी न्यूज एजेंसी अल अमाक ने इस खबर की जानकारी दी है। हालांकि अभी अमेरिका समेत किसी देश या कोलिशन आर्मी ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये न्यूज एजेंसी खुद आईएसआईएस से जुड़ी है। ऐसे में अल अमाक की इस खबर को नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे पहले भी 3 बार आतंक के आका के मरने की खबर सामने आ चुकी है। आंकड़ों पर नजर डाले तो नवंबर 2014 में मोसूल पर हुए सेना के हवाई हमले में बगदादी के मारे जाने की खबर सामने आई थी। इसके बाद मार्च 2015 में सीरिया बॉर्डर पर हुए हवाई हमलों में घायल बगदादी की इजरायली अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन इस खबर की पुष्टि किसी ने नहीं की। और कुछ वक्त बाद ही एक बार फिर अक्टूबर 2015 में करबाला इराक में हुए सेना के हमले में बगदादी के मारे जाने की खबर आई, लेकिन वो बार बार मरने के बाद भी जिंदा लौट आया। ऐसे में अब उसकी मौत की खबर पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बगदादी की मौत की खबर ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका आईएस के खून का प्यासा बना हुआ है। 2 दिन पहले ऑरलैंडो में हुई आतंकी हमले के बाद से ही अमेरिका पर आईएस को जड़ से उखाड़ फेंकने का भूत सवार है। ऐसे में सामने आई इस खबर के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बगदादी ने डर कर अपनी मौत की अफवाह उड़ाई है। अब बगदादी की मौत का सच क्या है? क्या वाकई वो मारा गया या फिर दहशत का वो चेहरा अभी भी जिंदा है? ये पूरी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।